हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज़ ऑन डेली करंट अफेयर्स, सेवन्थ में के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो आने में आजकल डिले हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि थोड़ा सा मैं और भी जगहों पर बिजी चल रहा हूँ। बहुत सारा कंटेंट प्रिपरेशन आपके लिए चल रहा है, ईपीएफओ वाले बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, बाकी कोर्सेज के लिए भी, ठीक है? तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, पर इम्पॉर्टेंट अभी अपने लिए ये है कि हम क्वेश्चंस करें, ठीक है? ज़रूरी वो है। वीडियो आपको डेली का मिलेगा, अगर वो अभी थोड़ा डिले भी हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा बस एकोमोडेट करो, जल्दी से इसको ठीक कर देंगे हम, ओके? एंड सेवन्थ में 2021 के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करने हैं, ऑल राइट? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके? चलो पहला क्वेश्चन देखो। Which among the following is the incorrect statement about the India-UK virtual summit that was held recently? अभी recently India-UK virtual summit हुआ था, जिसमें India के Prime Minister और UK के Prime Minister ने participate किया था, तो उससे related आपको कुछ statements given है, आपने बताना है कौन सा statement जो है वो incorrect है, ठीक है? Incorrect statement आपको बताना है। पहला statement आपके सामने है, Enhanced Trade Partnership was launched by the prime ministers of the two countries, which targeted doubling bilateral trade between India and UK by 2035. Second statement, a new India-UK global innovation partnership was announced at the virtual summit that aims to support the transfer of inclusive Indian innovation to select developing countries starting with Africa. पहला कहता है कि भैया enhanced trade partnership एक pact दोनों देशों ने launch किया, जिसमें बोला कि bilateral trade जो दोनों के देशों के बीच में है वो 2035 तक दोगुना करना है। दूसरा कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू किया जो जो सपोर्ट करेगा इंक्लूसिव इंडियन इनोवेशन को ट्रांसफर करने में डेवलपिंग कंट्रीज को, स्पेशली स्टार्टिंग विद द अफ्रीकन कंट्रीज। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। तो ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इस केस में क्या होगा? देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर्स ने दोनों देशों के, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बायलेटरल ट्रेड को डबल करने की बात 2035 तक नहीं, 2030 तक करने की इन्होंने बात की है इसमें। तो 2030 तक बोल रहे हैं कि हम जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच उसको डबल कर देंगे। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया है जिससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड इट विल बी स्टार्टिंग विद अफ्रीका, ओके? सो आंसर हियर विल बी ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर अपने से यहाँ पर पूछा जाता कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उस केस में अपना आंसर क्या हो जाता, उस केस में अपना आंसर हो जाता बी टू ओनली, ओके? एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार इसकी। तो इंडिया यूके वर्चुअल समिट, एन एम्बिशियस रोड मैप 2030 वॉज एडॉप्टेड एट द समिट टू एलिविएट बायलेटरल टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च किया गया ताकि जो दो कंट्रीज हैं विच आर द फिफ्थ एंड द सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तो इनके बीच में जो ट्रेड है उसको डबल किया जा सके बाय द ईयर 2030। उसके बाद एज पार्ट ऑफ द ETP, इंडिया एंड यूके ऑल्सो एग्रीड टू रोड मैप टू नेगोशिएट कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस्ड फॉरन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्होंने ये बोला कि जो ट्रेड होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट कर रहा है और यूके सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों का बिगड़ जाए, या वाइस वर्सा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों तरफ जो है ट्रेड इक्विवेलेंट होना चाहिए, ऑल राइट? उसके अलावा दे ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, जिससे जैसे कि हमने स्टेटमेंट में देखा, टू सपोर्ट द ट्रांसफर ऑफ इंक्लूसिव इंडियन इनोवेशंस टू सेलेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टिंग विद अफ्रीका, ऑल राइट? क्लियर सा सीधा सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। अब देखो, जनरली जब हम इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। FTA होता है हमारे पास, PTA होता है हमारे पास, CCEP होता है। तो ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ना है खुद से, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्क वीजाज दैट आर इशूड बाई यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। अभी ये वर्क वीजाज जो है काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे कोविड स्प्रेड हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स हैं उनको बोल दिया कि भैया अभी आपकी US में एंट्री जो है वो बैन है, ठीक है? इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि H1B वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर्स को इशू किया जाता है,
एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वीज़ा है अमंग द इंडियन आईटी कंपनीज. ओके, देन देर इज़ अ L1 वीज़ा. ये अलाउ करता है कंपनीज को टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर्स टू द USA फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 years. थर्ड स्टेटमेंट, F1 वीज़ा आर इशूड टू स्टडी इन द USA फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड टू वीज़ा जो है वो करेक्ट है. ऑलराइट, सो 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट, 1 and 3 और 2 and 3. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज के बारे में अगर आपको पता है तो ईजिली आंसर कर सकते हो. ओके, सो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज जो इशू किए जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं. तो वर्क वीज़ाज में सबसे पहले आ जाता है आपका H1B वीज़ा, स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स इंडियंस जो जाते हैं US में, उनके अमंग बहुत फेमस ये रहता है. ठीक है, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, हाईली स्किल्ड वर्कर्स, हायर एजुकेशन डिग्री के जो होल्डर्स होते हैं उनको ये वीज़ा मिलता है. ओके, H2B वीज़ाज. नाउ दीज आर इशूड टू सीजनल वर्कर्स. सीजनल वर्कर्स को जो लैंडस्केपिंग और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में होते हैं उनको ये इशू किया जाता है. L1 वीज़ा, ये इशू किया जाता है कंपनीज को जो अपने वर्कर्स को USA में काम करने के लिए भेजना चाहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 years. देन देर इज़ अ वीज़ा कॉल्ड H4 वीज़ा. ये H1B वीज़ा जिनको मिलता है उनके डिपेंडेंट्स के लिए होता है. जिनको H1B वीज़ा मिलता है उनके डिपेंडेंट्स, जैसे अगर उनके एज्ड पेरेंट्स हैं या किड्स हैं तो उनको ये पर्टिकुलर वीज़ा मिलता है. देन देर इज़ अ वीज़ा कॉल्ड J1 वीज़ा. ये उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स में US जाते हैं. जो वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं, पढ़ाई और उसके साथ साथ जो है काम. वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स होते हैं, एक टाइप का एजुकेशनल प्रोग्राम होता है. ओके, जिसमें आप वर्किंग और एजुकेशन का एक तरह से मिक्स प्रोग्राम ये होता है. ओके, देन देर इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा, F1 वीज़ा. ये उनको इशू किया जाता है जो USA में जाते हैं एज फुल टाइम स्टूडेंट्स. और M1 वीज़ा इशू किया जाता है जो वोकेशनल या नॉन एकेडमिक स्टडीज़ के लिए जाते हैं. ठीक है, एक तो होगी फुल टाइम स्टडीज़, एक होगी वोकेशनल या नॉन एकेडमिक स्टडीज, किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए अगर वो वहाँ पर जा रहे हैं. तो F1 और M1 वीज़ा भी आपको पता होना चाहिए. पिछले साल जब कोविड की वेव आई थी और पिछले साल जब USA में काफ़ी ज़्यादा कोविड फैला था, तब उन्होंने F1 M1 वीज़ा भी जो है वो बंद कर दिया था. और एक तो ये सारा अगर आपको पता रहेगा, एक ब्रीफ आइडिया रहेगा, तो ईजिली इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहला, ग्लाइफोसेट इज अ हर्बिसाइड दैट इज यूज टू किल वीक्स अमंग द कॉटन क्रॉप्स. ये न्यूज में था, हिंदू बिजनेस लाइन अगर आप फॉलो करते हो तो उसके अंदर ये था. हिंदू बिजनेस लाइन एक देखो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उसमें से क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप उसको उठा करके पढ़ना बैठ शुरू कर दो. अगर आप हिंदू फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो उसको फॉलो करते रहो, बिजनेस लाइन में से जो निकल के आएगा उसके क्वेश्चन मैं करा दूंगा. तो ग्लाइफोसेट इज अ हर्बिसाइड दैट इज यूज टू किल वीक्स मेनली इन कॉटन क्रॉप्स. सेकेंडली, रेजिड्यूज ऑफ ग्लाइफोसेट इन फूड एंड वाटर कैन कॉज क्रॉनिक किडनी डिजीजेस. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 only, 2 only, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. करेक्ट पूछा गया है. देखो थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमने ग्लाइफोसेट के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हमने कभी सुना है, कुछ नॉलेज है, तभी इसका आंसर कर सकते हैं. इसमें तुक्का नहीं लगता, इसमें तुक्का, एलिमिनेशन, गेस वर्क कुछ नहीं चलेगा. तो आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो न्यूज़ देख लेते हैं, साथ ही साथ देख लेंगे इसकी डिटेल भी. तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि तेलंगाना ने अभी रिसेंटली इस हर्बिसाइड को, ग्लाइफोसेट को बैन किया है. ठीक है, टोटल बैन लगा दिया है. ये जो पर्टिकुलर हर्बिसाइड है, दिस इज यूज टू किल फार्म वीक्स, जो हर्बिसाइड वीक्स होते हैं. ओके, और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पर्टिकुलर हर्बिसाइड है जिसको स्पेशली कॉटन क्रॉप्स में यूज किया जाता है, ये क्या करता है, ये सॉइल को पल्यूट करना शुरू कर देता है. उस एरिया के सॉइल को पल्यूट करना शुरू कर देता है. अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर जहाँ पर मैं टिक मार्क्स लगाए, अगर आप अपनी नज़रें उधर लेकर क्या होगे, तो ग्लाइफोसेट एंड इट्स रेजिड्यूज इन फूड एंड वाटर आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीजेज. ठीक है, तो मेजर फैक्टर इसको कंसिडर किया जाता है फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीजेज, जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट था, तो वो भी करेक्ट हो जाता है. देखो ये मैं अलग अलग कलर्स में, पिंक और येलो में इसीलिए मार्क करता हूँ. पिंक इज बेसिकली फॉर हेडलाइनिंग द कीवर्ड्स एंड येलो इज द कंटेंट. तो जो बच्चे PDF डाउनलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में से PDF लिंक में से PDF डाउनलोड करते हैं, तो वो इजीली इसको अपने पास रखेंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, तभी डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, चलो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने
क्लियरली अब बैन करने के बाद जो भी इसके यूजर्स थे, रिटेलर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, सबको बोल दिया कि अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968। ऑलराइट, अब देखो ये जो बैन है, दिस हैज कम आफ्टर द लार्ज स्केल यूज ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन इन द स्टेट। ठीक है जी, अब ये बीटी कॉटन जो है, जिसको आप HTBT कॉटन बोलते हो, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन है, बेसिकली ये अभी तक इंडिया में अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती हैं उनको इंडिया में अप्रूव कौन करता है? उनको अप्रूव करता है जेनेटिक अप्रेजल इंजीनियरिंग कमिटी यूनियन गवर्नमेंट की। लेकिन अभी तक इस कमिटी ने इस पर्टिकुलर कॉटन को, बीटी कॉटन को, इस जो है अप्रूव नहीं किया है। लेकिन फार्मर्स फिर भी इसको यूज कर रहे हैं। तेलंगाना में अगर आप देखो 8-10 लाख एकड़ जगह ऐसी है जहां पर ये यूज किया जा रहा है, तो इलीगल यूज इसका चल रहा है और हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन है, इसी वजह से ग्लाइफोसेट जो है यूज किया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ग्लाइफोसेट इज डेंजरस, उससे क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखो सिर्फ GM क्रॉप जो अप्रूव्ड है इंडिया में वो बीटी कॉटन है, HDPT कॉटन भी नहीं, बीटी कॉटन। ओके, 2006 में अप्रूव हुई थी और उसके बाद से जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, उन्होंने एक भी कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जेनेटिकली इंजीनियर जिसको अप्रूव किया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इलीगल यूज HDPT कॉटन का काफी जगहों पर चल रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम तेलंगाना, ये भी आपने याद रखना है, केरला एक दूसरी ऐसी स्टेट है जिन्होंने ग्लाइफोसेट को कंप्लीटली बैन किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से फॉर्म हुआ है और आपको पता चल गया। अब ये जो GEAC है, जेनेटिकली जेनेटिक अप्रेजल इंजीनियरिंग कमिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो देखो। सो क्वेश्चन क्या है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, कौन से एक्ट के अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? ऑप्शन ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, कौन से एक्ट के अंडर GEAC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ा होगा कमिटी के बारे में तो ही आंसर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस केस में आंसर होगा, इंजीनियरिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो GEAC इज द एपेक्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है, ये भी याद रखना है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साइंस से रिलेटेड कुछ है, जेनेटिक्स से कुछ रिलेटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती होगी, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो फॉर्म किसके अंडर हुई है? फॉर्म हुई है अंडर रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989। और ये जो रूल्स फॉर्म हुए हैं ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर फॉर्म हुए हैं। तो अपने से सवाल में एक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो भी एक्टिविटीज जिनमें लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हों या रिकॉम्बिनेंट्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए या एनवायरमेंट एंगल से जो इंपॉर्टेंट हो, उनको ये रिव्यू करेगी, उनको अप्रूव करेगी। उसके अलावा इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट इन टू द एनवायरमेंट। अगर कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट को अपने एनवायरमेंट में रिलीज करना है, जैसे कि आप कोई बायोटेक्नोलॉजिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो है उसको एनवायरमेंट में रिलीज करना चाहते हो, उससे पूरे के पूरे नेचर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, तो उसको भी अप्रूव कौन करेगा? GEAC अप्रूव करेगा। GEAC को चेयर कौन करता है? स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। और को चेयर कौन करता है? को चेयर करता है एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ स्टैटिक क्वेश्चन। वंदन इनिशिएटिव 2018 में स्कीम आई थी, लेकिन PIB में देर वॉज सम कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन, उसमें ड्यूरिंग अ स्पीच दिस वंदन इनिशिएटिव, वंदन स्कीम केम इन टू, एंड इसी वजह से हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे EPFO का पेपर दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी का पार्ट यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहता है कि TRIFID जो है वो नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल लेवल पर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस स्कीम के अंडर अ क्लस्टर ऑफ 10 SHGs विद इन द सेम विलेज फॉर्म अ वन धन विकास केंद्र।
एक गांव में 10 SHG मिलाकर के वंदन विकास केंद्र जो है बनाया जाएगा। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन ऑफ दी अबव। आपने बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर स्कीम पड़ी हुई है तो इजीली आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब ये जो वंदन इनिशिएटिव है, ये मैं पूरी आपको स्कीम जो है वो करा रहा हूँ, ठीक है। PDF अटैच रहेगी इसके साथ ही, चिंता मत करना, ओके। चलो, तो ये वंदन स्कीम विकासपीडिया से हम लोग कवर करेंगे, ओके। विकासपीडिया बेसिकली गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ही है एक, ओके। तो पूरी स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट आपको एज इट इज आपके काम आएगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको देता तो इतना बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है ना। तो वंदन स्कीम इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्रिफेड का। तो आपसे इनिशिएटिव भी पूछा जा सकता है कि किसका इनिशिएटिव है ये। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ट्रिफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही आता है, पर फिर भी याद रखना है। 2018 में लॉन्च की गई थी, कई बार लॉन्च ईयर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। एजेंडा मेनली इसका क्या है कि किस तरह से ट्राइबल इनकम्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, जो ट्राइबल इनकम है, थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। ऑल राइट, ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज द नोडल डिपार्टमेंट एट द सेंट्रल लेवल, और जो ट्रिफेड होगी इट विल बी द नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट लेवल पर स्टेट नोडल एजेंसी फॉर MFPs और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। और लोकली विलेज लेवल के ऊपर जो केंद्रास हैं, जिसको हम जनधन विकास केंद्रास बोलेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये जो जनधन विकास केंद्रास होंगे जो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पर देखेंगे, ये एक मैनेजिंग कमिटी मैनेज करेगी इनको। ये मैनेजिंग कमिटी में भी SHG के ही लोग होंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग ही जो उस वंदन एरिया को फॉर्म कर रहे हैं, ओके। मेनली इसमें जो वैल्यू एडिशन है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देने का रखा गया है, क्योंकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है इट इज कंसिडर्ड एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ट्राइबल जो पीपल होते हैं, जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे होते हैं, उनको ये MFPs उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, ओके। अगर आप देखो अराउंड 100 मिलियन MFP फॉरेस्ट ड्वेलर्स डिपेंड ऑन MFPs फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड कैश इनकम। 20-40% इनकम ट्राइबल्स की MFP से आती है। उसके अलावा ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो MFPs हैं दे आर कलेक्टेड एंड सोल्ड बाय द वुमेन ओनली, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, CSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलती है। चलिए अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं वंदन इनिशिएटिव की। सो एट द यूनिट लेवल एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस वुड बी डन बाय SHGs। जो भी प्रोड्यूस की एग्रीगेशन होगी वो SHGs के थ्रू की जाएगी, और एक SHGs में अराउंड 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसको वन धन विकास समूह बोला जाएगा। जिसको क्या बोला जाएगा? वन धन विकास समूह। इसका मेन काम क्या होगा कि किस तरह से प्राइमरी वैल्यू एडिशन MFP के अंदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट हुआ है उसके अंदर कैसे वैल्यू एडिशन की जा सके, ठीक है। अब एक जो वन धन समूह होगा उसके पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे रिक्वायर्ड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी SHG मेंबर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, उसके घर में बनाई जा सकती है, गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में बनाया जा सकता है। टूल किट होनी चाहिए प्राइमरी अपडेशन के लिए, प्राइमरी वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे स्मॉल कटिंग एंड सीविंग टूल्स होने चाहिए, ड्रायर होना चाहिए, पैकेजिंग टूल्स होने चाहिए। उसके बाद फुल्ली इक्विप्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी, ताकि जो SHG के मेंबर्स हैं उनको 30 के ग्रुप्स में ट्रेन किया जा सके। ऑलराइट, उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इन SHGs को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे लिंक करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये SHGs हैं, जो 30 मेंबर्स के SHGs हैं, तो अ क्लस्टर ऑफ 10 सच SHGs, 10 ऐसे SHGs जो सेम गांव में हैं, वो मिलकर के एक वन धन विकास केंद्रा बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? वन धन विकास केंद्रा बनाएंगे। बेसिकली ये जो समूह है जिसको हम जनधन विकास समूह कह रहे हैं, तो ये 10 ऐसे समूह एक विकास केंद्रा बनाएंगे, ठीक है। ये जो विकास केंद्र होगा इनके पास कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी जो नेक्स्ट फेज में काम आएंगी, जो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट में काम आएगी, नेक्स्ट वैल्यू एडिशन के अंदर काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ मेजर MFPs गिवन है जिसको आप आराम से देख सकते हो, जैसे चिरौंजी, हनी, ये सब आ जाता है इसमें, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हमने नेशनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो देख लिया। नेशनल लेवल पर अपना ट्रिफेड आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली
अगर आप देखो विलेज लेवल पर जो ये 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो वंदन विकास केंद्र बनाएंगे, ये स्किल अपग्रेडेशन के लिए भी काम करेंगे, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम करेंगे, ये ट्रेनिंग के लिए भी काम करेंगे। और ये जो एक डिस्ट्रिक्ट में विकास केंद्र बनेंगे, ये ओवरऑल कलेक्टर जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा उसकी लीडरशिप के अंडर काम करेंगे। ओवरऑल ये देखेंगे कि कैसे अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ट्राइबल के उनको मार्केट किया जा सके उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस स्टेट के बाहर भी। और इस सब के लिए ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रिफेड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें जो है ट्रिफेड जो है प्रोवाइड करेगा। और इसमें अल्टीमेटली फिर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी लिंक किया जाएगा कि कैसे पीपीपी मॉडल के ऊपर जो ये ट्राइबल प्रोड्यूस है इसको और अच्छे से मार्केट किया जा सके। ठीक है, तो फॉर क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी लेवल वैल्यू एडिशन फैसिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड टर्शियरी लेवल वैल्यू एडिशन फैसिलिटी एट स्टेट लेवल बिग कॉर्पोरेट्स शॉल बी इन्वॉल्व्ड अंडर पीपीपी मॉडल। ओके, तो अगर आप इस स्कीम को अच्छे से पढ़ लेते हो जो ये पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं सिर्फ, बाकी आपको कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, तो इस स्कीम में से अगर कोई क्वेश्चन आता है करंट के हिसाब से तो आप उसको गलत नहीं करोगे। ओके, चलिए तो यहां पर आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं 7 मई के। एंड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर, या फिर आप मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। EPFO वाले बच्चे जो MCQ कोर्स लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी की वीडियोस प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।